मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो बाइक सवारों को रोककर जब तलाश ली तो उनके पास से 54 आधार कार्ड, 37 अलग अलग नामों से बने नकली आधार कार्ड, 23 एक्टिवेट सिम कार्ड के साथ ही 19 छात्र छात्राओं के फोटो और दस्तावेज बरामद किए। पकड़े गए दोनों युवक शाहिद व अनस से जब इस सामान के बारे में जानकारी की तो उन्होंने बताया कि ये सारा सामान हसनैन का है और हसनैन रामपुर के टांडा इलाके में रहता है और एक स्कूल चलाता है और अपने ही स्कूल के रिकॉर्ड में फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति को हड़प लेता है। पुलिस ने दोनों आरोपियों शाहिद व हसनैन को गिरफ्तार कर मुख्य आरोपी हसनैन की तलाश शुरू कर दी है। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने के लिए उन्हें हर वर्ष छात्रवृत्ति देता है और ये छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में जाती है, लेकिन इस छात्रवृत्ति को हड़पने के लिए रामपुर के ठगों ने एक रास्ता तलाश लिया है। ये ठग फर्जी आधार कार्ड के जरिए सिम कार्ड एक्टिवेट कराते हैं, फिर फर्जी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के आधार पर बैंक में अकाउंट खोल लेते हैं। छात्रों को सरकार से छात्रवृत्ति के नाम पर छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का पैसा ठग लेते हैं। छात्रों को पता भी नहीं होता कि उनके नाम पर पैसा आया है। मुरादाबाद पुलिस ने अचानक वाहन चेकिंग में सामने आए दो युवकों से बरामद सामान मिलने पर जब पूछताछ की तो इस छात्रवृत्ति हड़पने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। यह शातिर ठग ऐसे ही न जाने कब से छात्रवृत्ति हड़प रहे थे। मुरादाबाद पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद के मुताबिक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंग के मुख्य सरगना की तलाश की जा रही है, उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर और पूछताछ की जाएगी कि कौन कौन लोग इनके साथ हैं। किया है कल रात में चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति मोटरबाइक पर मिले जो संदिग्ध रूप में थे। जब इनकी तलाशी ली गई, पूछताछ किया गया तो इनके पास में भारी मात्रा में आधार कार्ड मिले, तो शक के आधार पर इनसे पूछताछ की गई तो इसमें इन्होंने बताया कि इसमें एक लड़का है, इसमें जो एक व्यक्ति है ताहिर जो मुख्य अभियुक्त है उसका स्कूल है रामपुर टांडा में, ये दोनों उसके लिए काम करते हैं। इसमें जो अनस जो लड़का है वो जो आधार कार्ड होते हैं उनका फ़ोटो चेंज कर देता है, नाम चेंज कर देता है, उसके आधार पर ये फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं। हसनान है इसका ग्राहक सेवा केंद्र है जिसके कंप्यूटर और उसके जो उपकरण है उसका उपयोग अनस करता है जहाँ पर यह पूरा कार्य किया जाता है। इन फर्जी आधार कार्ड के आधार पर सिम प्राप्त करते हैं और इन सिम और आधार कार्ड के आधार पर ये छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप होती है उसके लिए अप्लाई करते हैं और ये जो छात्रवृत्ति आती है इस तरह मिसयूज़ करते हुए अपने खातों में जो इनके द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं जो इन्हीं आधार कार्ड और नंबरों के आधार पर खोले गए हैं वहाँ पे ये प्राप्त करते हैं जो छात्रवृत्ति का जो पैसा आता है। इसमें आज अनस और हसनान जो दोनों ही रामपुर के रहने वाले हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है ताहिर ये समय फरार चल रहा है, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें विवेचना अभी प्रचलित है, इसमें और कई लोग और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसके बारे में विवेचना की जा रही है, जो भी इसमें नाम प्रकाश में आएंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इनके पास से 54 आधार कार्ड साथ ही 37 फर्जी आधार कार्ड प्राप्त हुए और 1900 छात्र छात्राओं के फोटोग्राफ्स इनके पास से प्राप्त हुए, 23 फर्जी सिम इनके पास से प्राप्त हुई है, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, एक चार्जर और अन्य कंप्यूटर उपकरण इनके प्राप्त से बरामद किए गए हैं। इसमें मुख्य अभियुक्त जो ताहिर है इस समय फरार है, उसकी गिरफ्तारी होने के उपरांत और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई के उसमें ये सब प्रकाश में आएगा। अभी ये विवेचनाधीन है कि इन्होंने अब तक कितने लोगों या कितने बच्चों का फर्जी रूप से छात्रवृत्ति प्राप्त की। अभी तक की जो पूछताछ में इनका अभी पूरा आपराधिक इतिहास तो प्रकाश में नहीं आया, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। जो फोटोग्राफ्स प्राप्त हुई है उसमें उनका कोई डिटेल नहीं है, जो अभी तक की पूछताछ और विवेचना में प्रकाश में है कि जो ताहिर है इसका खुद का स्कूल है और मोस्ट प्रॉब्ली इसी के स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों का इसमें फोटोज़ और उनका आधार कार्ड यूज़ किया गया होगा।